हाय गाइस, भाई मेरा गला भी मरा हुआ है यार, मेरी आवाज़ भी ठीक से नहीं आ रही। हाय गाइस, माय नेम इज कृषिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर। दिस इज प्रोबेबली माय लास्ट वीडियो ऑफिशियली जो मैं शूट कर रही हूँ बिफोर मैरिज, बिकॉज इसके बाद तो टाइम नहीं मिलने वाला है। यही मुझे पता है मैं कितनी मुश्किल से टाइम निकाल रही हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई प्रॉमिस्ड यू गाइज। आई थिंक जब से मेरे शादी का पूरा प्रिपरेशन किया, व्लॉग जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, सबने ही कहा था कि आप जो भी ब्राइडल अपनी वैनिटी बनाओगे, जो भी बनाओगे उस पर वीडियो बनाना। मैंने खुद आपको कमिट किया था कि मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने सारा साइड पर रखा था कि जब तक वीडियो नहीं बनाऊंगी तब तक मैं इसको पैक नहीं करने वाली। सो देयर यू गो, ये रही मेरी ब्राइडल वैनिटी किट जो मैंने छोटी सी कॉम्पैक्ट सी बनाई है। अभी थोड़ा सामान ज़्यादा लग रहा है बिकॉज सब कुछ पैकेजिंग में है, अभी सब कुछ निकाल के मैं सेट करने वाली हूँ इसमें। सो आई थॉट आपके साथ ही करूँगी, आपको भी एक अच्छा नॉलेज मिल जाएगी जिसकी शादी होनी हो, या फिर आप ब्राइड्स मेड हो, ब्राइड टू बी हो, या ब्राइड टू बी के रिलेटिव हो, आई थिंक एक अच्छा आइडिया लग जाता है। बाय द वे, आई जस्ट गॉट एंगेज्ड यस्टरडे, कल ही मेरी एंगेजमेंट हुई है। मेरा हेयर स्टाइल पूरा अभी तक यहाँ पे पूफी पूफी हुआ हुआ है बिकॉज मैंने आज हेयर वॉश नहीं किया, आज मैंने पूरा आराम किया आज अच्छे से, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। एंड या सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऊपर का मैंने सामान निकाल दिया है, आई जस्ट वांट टू शो यू द किट। ये कुछ इस तरह से दिखती है, मैंने अमेजोन से मंगाई थी, आपने मेरे 2-3 महीने पुराने वाले अमेजोन ऑर्गेनाइजर वाले हॉल में देखा भी होगा। काफ़ी अच्छी है, कॉम्पैक्ट है। मेरा पहले से ही प्लान था मैं कोई भी अननेसेसरी बड़ी सी किट नहीं लेने वाली अपने ब्राइडल वैनिटी के लिए, बिकॉज वो शादी के टाइम तो बड़ी फैंसी लगती है, ऐसी बड़ी सी किट ले लो लेकिन बाद में काम नहीं आती। आई वॉन्टेड समथिंग जो बाद में भी काम आए। ऐसी वाली जो किट्स होती है ना, ये आप अपने ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हो, बिकॉज सी ये आपके इजिली सूटकेस में भी आ जाएगी, आप इसे ट्रैवल कर सकते हो। आपको डेस्टिनेशन वेडिंग में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, आपका इजिली सामान आ सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसमें जो ये पार्टीशन है ना, ये रिमूवेबल है। सो इसको रिमूव करके मैं यहाँ पर कम ज़्यादा कितना भी कर सकती हूँ, ये छोटे वाले पार्टीशन को भी मैं कम ज़्यादा कर सकती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो बेसिक सामान मैंने डाला हुआ है पहले वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये वाले कॉर्नर के साथ। सो इस वाले कॉर्नर में मैंने डाली है सारी हेयर एक्सेसरीज, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू अ न्यू हाउस। अपने घर में तो हर जगह क्लच हेयर बैंड मिल जाते हैं, नए घर में जाओगे ऑब्वियसली नहीं मिलने वाले। सो बेसिक चीज़ें वो रखनी ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने अपने क्लचर्स रखे हैं, दीज आर द 2 क्लचर्स जो मुझे चाहिए होते हैं। नहाते हैं, बाल बन बनाना होता है तो चाहिए ही होते हैं। देन स्क्रंचीज, 2 पेयर ऑफ स्क्रंचीज मैंने रखी है। ये सब मैं सदर बाजार से लाई थी, बाय द वे आपने मेरा सदर बाजार की स्टोरी या वीडियो भी देखी होगी, वहाँ पर ये सामान बहुत सस्ता मिलता है। सो मैं भर भर के वहाँ से क्लचेस स्क्रंचीज लेकर आई थी। देन देयर इज अ सेफ्टी पिन का पूरा स्टैक है ये, बिकॉज साड़ी पहननी होती है, कुछ भी पहनना होता है थोड़ा बहुत स्टैकिंग करनी होती है। देन मोर क्लचर, मैं अपने न्यू हाउस में बहुत सारे क्लचर्स रखने वाली हूँ बिकॉज जरूरत पड़ती है मुझे बहुत ज़्यादा। ओके, देन वी हैव अ पैक ऑफ पिन्स एज वेल, बिकॉज नेक्स्ट डे जब रेडी होंगे थोड़ा बहुत अगर कुछ हेयर स्टाइलिंग करनी होगी तो ऐसी बेसिक पिन्स होनी चाहिए। देन वी हैव दीज सॉर्ट ऑफ इनविजिबल पिन एज वेल, इसको इनविजिबल पिन बोलते हैं बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ना स्लीक होती है, आप इसके साथ स्टाइल भी कर सकते हो। यही मैं सदर बाजार से लाई थी, अगर मुझे इनके लिंक्स मिलते हैं ऑनलाइन लाइक अमेजोन पे अवेलेबल हो तो मैं डेफिनेटली सब कुछ लिंक करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लेना। देन वी हैव दीज सॉर्ट ऑफ पिन्स जो बेसिकली साड़ी टक करने के लिए होती है, ये कुछ इस तरह से आती है, आप इसको कुछ भी क्लोथ टक करना हो, दुपट्टा करना हो, ये बेसिक होता है। तो मैंने एक ये कॉर्नर अपनी इस किट में बना लिया। कमिंग अप टू द नेक्स्ट कंपार्टमेंट जो है ये वाला कंपार्टमेंट, इसको मैंने थोड़ा सा चौड़ा रखा हुआ है बिकॉज ये दोनों रिमूवेबल है, तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, इसको यहाँ पर कर दिया। सेंटर का थोड़ा सा पोर्शन मैंने ऐसे ब्रॉड रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने डाले हुए हैं। सबसे पहले मैंने डाला है एक कॉम्पैक्ट, मैंने डाला है अपना फिट मी का कॉम्पैक्ट, मेरे पास यही रखा हुआ था। एंड द शेड दैट आई केप्ट इज 130 बफ बेज, ये शेड अच्छे सूट कर जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसका जो पफ है ना वो नीचे सेपरेट है तो अच्छा रहता है, ये भी एकदम सील पैक है। आई मेड श्योर कि मेरी ब्राइडल वैनिटी में जो भी चीज़ें हो एकदम न्यू ब्रांड हो, बिकॉज बोला जाता है ना शादी की वैनिटी जब बनाओ तो सब कुछ नया नया होना चाहिए। देन वी हैव 2 ब्यूटी ब्लेंडर्स, एकदम फ्रेश फ्रेश ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं। देन मैंने रखे हैं ये कैप्सूल टिश्यूज जो बेसिकली कंप्रेस टिश्यूज जिनको बोला जाता है। सो इसमें आप माइसल वाटर डाल सकते हो, इसमें आप पानी डाल सकते हो, कुछ भी डालो आप, इस ये ऐसे वेट वाइप बन जाता है पूरा बड़ा होके, फिर आप रिमूव कर सकते हो। काफी बार जब मेकअप करो कुछ मेसअप हो जाता है सो चाहिए होता है। सो अगर आपको नियर बाय में वेट वाइप नहीं मिल रहा तो आप डेफिनेटली ये यूज कर सकते हो, बट अदरवाइज मेरा जो सूटकेस है, जो मेरा शादी का सूटकेस बन रहा है, मैंने उसमें कलर बार के मेकअप रिमूवर वाइप्स भी डाले हैं, सो बैकअप के लिए, बट स्टिल मैंने किट में रख लिया। अब आ जाते हैं इस वाले पोर्शन पर। इस वाले पोर्शन में मैंने रखी है सबसे पहले ये मिरर, बिकॉज कहीं भी रेडी हो एक मिरर हैंडी होना चाहिए। सो ये मेरे मैक के पीआर में आया था, शाइनी ग्लिटरी सा मिरर कुछ इस तरह से है। एक जूम इन वाला है इसमें, एक नॉर्मल मिरर है, और एक मिरर जो है वो काफी जूम्ड इन वाला है, तो उसको देख के मैं मेकअप अच्छे से कर सकती हूँ। देन नेक्स्ट अप मैंने इसके अंदर रखा है स्प्रे जो है निक्स का ड्यूई फिनिश सैटिन वाला स्प्रे, ये मेरा फेवरेट मेकअप सेटिंग स्प्रे है, लव इट, अफोर्डेबल भी है और
डूई फिनिश आना तो बहुत अच्छा ग्लो देता है. मैं मैट फिनिश स्प्रे नहीं प्रेफर करती इंडियन वेडिंग लुक्स के लिए, बिकॉज इंडियन मेकअप जब भी करो ना वो मैट अच्छा नहीं लगता, इट हैज़ टू बी डूई एंड ग्लॉसी. तो मुझे ये डूई फिनिश वाला अच्छा लगता है. न्यू पैकेजिंग हो गई आई थिंक उनकी, पुराने वाली ऐसी नहीं आती थी, व्हाइट कलर की आती थी आई रिमेंबर, बट दिस इज द न्यू वन. उसके बाद यह है ये छोटी सी किट जो मैं इस पर से हटाने वाली हूँ बिकॉज मैं जगह की कमी पड़ रही है, और ये वाली किट मैं अपनी वॉशरूम वाली किट में रख दूंगी. सो दिस आर इट लुक्स लाइक. मैंने स्मिटन से ऑर्डर करी थी बट ये अमेजोन पे भी आपको मिल जाएगी. सो यहाँ से आप जब बटन को पुश करोगे इट ओपन्स अप लाइक दिस, और इसमें सब कुछ ऐसे इमरजेंसी वाला बोलो या फिर आप कुछ भी बोलो, इट हैज टू नेल कटर, एक सीजर है इसमें, एक ट्वीजर है, दूसरा वाला फाइलर है, सॉरी मुझे दिखा नहीं, एक फाइलर है, एक ट्वीजर है, एक क्यूटिकल पुशर है कुछ, या इट्स लाइक अ क्यूट सी टीनी टाइनी सी नेल किट. ओके मूविंग ऑन टू द मेकअप स्टफ जो मैं अब डाल रही हूँ, मैं साथ साथ अपनी वैनिटी भी सेट कर लेती हूँ. तो सबसे बेसिक से मैं शुरू करने वाली हूँ. सबसे पहले मैं अपनी मेकअप वैनिटी में डालने वाली हूँ ये स्विस ब्यूटी का रियल बेस हाइलाइटिंग प्राइमर. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. अभी मैंने आपको नायका की जब पिंक लव सेल आई थी उसके भी हॉल में मैंने आपको यही दिखाया था. ये मेरा लास्ट ईयर टूट गया था, ये मेरा अमन के बर्थडे वाले दिन ही टूटा था. येस फाइनली आई कैन टेक हिज नेम इन माई वीडियोज. अब मैंने बता दिया एंगेजमेंट हो गया, कल ही मैंने अनाउंस किया है, अब मैं फाइनली नाम ले सकती हूँ. मैं पहले बिल्कुल भी नहीं बोलती थी. लास्ट ईयर अमन के बर्थडे पे जब मैं तैयार हो रही थी ना तभी ये टूटा था, एंड द हार्ट ब्रेक वॉज रियल. सो जब अभी नायका के पीआर में रिसीव हुआ ना, आई वाज लाइक यस यस यही चाहिए था मुझे. सो दिस आर इट लुक्स लाइक. इट्स लाइक अ वेरी नाइस एल्यूमिनेटर है ये. अगर आप मैक की स्ट्रोक क्रीम यूज कर चुके हो या फिर नहीं यूज करी कोई नहीं, उसको भूल जाओ. ये उससे 100 times बेटर वर्क करता है. इसका बहुत अच्छा शिमरी ग्लॉसी इफेक्ट है. सो जो एक ब्राइडल लुक होती है ना जिसमें एक शाइन चाहिए होती है स्किन को, ये उसके लिए परफेक्ट है. ड्यूइनेस भी देता है, मेरा फाउंडेशन क्रैक नहीं होता इससे. मैं बस वॉच करके तो आपको दिखाई सकती हूँ. दो ये कंप्लीटली ब्रांड न्यू है बट दिस आर इट लुक्स लाइक. व्हाइट कलर का है. आप जैसे इसको स्किन में मसाज करोगे लाइक मॉइस्चराइजर की तरह स्किन में चला जाता है, लेकिन बहुत अच्छा ग्लो देता है. आई एम सॉरी इस रूम की लाइटिंग थोड़ी सी ऑफ है, यहाँ पे वो रिंग लाइट वाला इफेक्ट नहीं है, तो आपको चीज़ों की थोड़ा सा क्वालिटी ऊपर नीचे दिखेगी, बट ठीक है आपको चीज़ें समझ आ रही हूँ, दैट्स मोर देन इनफ. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. सो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद मैं ऑब्वियसली लगाऊंगी प्राइमर. सो प्राइमर के लिए मैंने रखा है ये माइग्लैम का प्राइमर. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये माइग्लैम का टिंटेड परफेक्शन बेस प्राइमर एंड पोर मिनिमाइजर. इसको भी फेंक देते हैं. फाइनली मैं सबकी कार्डबोर्ड पैकेजिंग फेंकने वाली हूँ बिकॉज ये स्पेस ले लेती हूँ बहुत ज़्यादा. क्यूट सा छोटू सा प्राइमर है, कुछ इस तरह से दिखता है. ये मैंने स्वॉच करके देखा था, रियली नाइस. बहुत अच्छे से पोर्स भी ब्लर आउट हो जाते हैं, जो भी जो स्कारिंग होती है वो थोड़ी सी अच्छे से फिल इन हो जाती है, सो दैट जब मेकअप करो तो वो काफी फ्लॉलेस निकल के आया. देन मूविंग ऑन टू कंसीलिंग. कंसीलिंग के लिए मैंने रखी है दो चीजें. सबसे पहले मैंने एक डार्क कलर का कंसीलर रखा है, के ब्यूटी का, जो आई थिंक बहुत ज्यादा डार्क है, तो इसको तो मैं कॉन्टोर की तरह यूज करने वाली हूँ. ये के ब्यूटी का कंसीलर है. दिस वन इज इन द शेड 195P डीप. दिस इज डेफिनेटली वेरी डार्क, तो ये मेरे कॉन्टोर में काम आ जाएगा, बट अदरवाइज एज अ नॉर्मल कंसीलर मैंने ये रखा है. स्विस ब्यूटी का कंसीलर ये मेरा फेवरेट है, इसको भी निकाल के इसमें डाल देते हैं. दिस इज द शेड सैंड सेबल. ये काफी अच्छे से मुझे सूट करता है, हाइलाइटिंग के लिए भी काम आ जाता है. एज अ लाइक हाइलाइटिंग इफेक्ट के लिए कंसीलर यूज करना हो और वैसे भी काफी अच्छा लगता है. दिस शेड सैंड सेबल इज रियली नाइस. मूविंग ऑन टू द फाउंडेशन. अब लास्ट मोमेंट पे मुझे याद आया कि मेरे पास एकदम फ्रेश न्यू फाउंडेशन कोई नहीं पड़ा, बिकॉज जब भी कोई आता है मैं यूज कर लेती थी, बट फाइनली मुझे अपने मेकअप वाले जो कलेक्शन है उसमें एक फ्रेश फाउंडेशन मिल गया. आई टोल्ड यू इस वाली किट में मैं सब कुछ फ्रेश नया रख रही हूँ, बिकॉज बोलते हैं तो रखना पड़ता है. सो ये है फिटमी का फाउंडेशन जो एकदम फ्रेश मेरे पास रखा था, एंड दिस इज नाइस. ये अच्छे से कवरेज भी देता है, सुंदर भी लगता है, और आई थिंक लाइट मेकअप के लिए अच्छा भी है, बिकॉज शादी के अगले दिन थोड़ा बहुत देर के लिए मुझे एक लाइट मेकअप चाहिए होगा, तो दिस विल वर्क. माय शेड इज 128 बाय द वे. ये काफी अच्छे से मुझे सूट हो जाता है. नेक्स्ट अब मैंने रखा है ये माइग्लैम की चिजलेट वाली किट रखी है. इसमें है 3-in-1 हाइलाइटर ब्लश एंड ब्रॉन्जर. सो एज आई टोल्ड यू ये किट थोड़ी छोटी है, मैंने कॉम्पैक्ट वर्जन बनाया, तो ऐसी 3-in-1 चीजें डाल दो ना तो स्पेस काफी अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. काफी शाइनी शाइनी प्रिटी सी इसकी पैकेजिंग है, एंड दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्ट. एक तो ये नेल्स करा लिए ना, प्रोडक्ट भी नहीं खुलता. सो दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्ट. इसमें आपको मिलता है ये हाईलाइटर, फिर इसमें आपको मिलता है ये ब्लश मिलता है, देन वी हैव अ कॉन्टोर एज वेल. तीनों का काम हो जाता है इजिली, सो रियली नाइस. ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, वी हैव सिंदूर. ओ माई गॉड, ब्राइडल किट इज इनकम्प्लीट विदाउट सिंदूर. ये मैंने स्पेसिफिकली अभी रिसेंटली ऑर्डर किया है. आपने भी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी देख लिया होगा, अमेजोन की मैंने स्टोरीज में काफी डालती रहती हूँ. सो दिस इज अ सिंदूर दैट आई ऑर्डर. दिस बाय द ब्रांड टैक विच इज द आयुर्वेदा एंड कंपनी. ये उनका हर्बल सिंदूर समथिंग था जो मुझे काफी सही लगा. मैंने जब वो स्टोरी डाली सिंदूर की, मुझे काफी रिप्लाई आया कि आपको मरून लेना चाहिए था, आपने ब्राइट रेड ले लिया. अब देखो मेरे को तो इतनी नॉलेज है नहीं सिंदूर के कलर की. सो मुझे दो जो दिखा मैंने वो ऑर्डर कर दिया. ये निकल के मेरा
लिटरली लिक्विड लिपस्टिक जैसे ही लग रहा है, बट ये एकदम मैट होता है. मैंने स्पेसिफिकली यही वाला लिक्विड सिंदूर मंगवाया है बिकॉज स्मज नहीं होता. जो पाउडर वाले होते हैं काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं, फिर कपड़े ख़राब हो जाते हैं, हाथ लग जाता है. सो जस्ट टू कीप एवरीथिंग मेस फ्री मैंने ये डाला है. नेक्स्ट अप मैंने रखी है मार्स की ये आई शेडो. दिस इज द मार्स आई शेडो इन द शेड मिल्की वे. ये बहुत प्यारा गोल्डन कलर का शेड है. जब जल्दी वाला मेकअप करना होता है ना, मुझे मार्स की आई शेडो बहुत अच्छी लगती है. कुछ मत लगाओ, आईज के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर लो, ऐसा लगता है वाह कितनी प्यारी मेकअप लुक क्रिएट करी है. सो ये मिल्की वे शेड काफी प्यारा है. इट्स लाइक अ वेरी नाइस डीप ब्राउन सॉर्ट ऑफ कलर, एकदम गोल्डनी वाला इफेक्ट देता है, जो आई थिंक पोस्ट शादी काफी अच्छा लगने वाला है. एक डार्क कलर भी आ जाता है और एक प्यारा सा गोल्डन इफेक्ट भी आता है. सी इट लुक्स वेरी नाइस. इसका कलर भी अपना बहुत अच्छा है और ग्लिटर तो इसके अंदर है ही, तो दोनों का काम हो जाता है. सो मैंने ये एज अ आई शेडो रखा है, बट मैंने अदरवाइज एक छोटी आई शेडो भी इसके अंदर डाल दिया है. इसमें है सारे मैट शेड. ये स्विस ब्यूटी की अल्टीमेट आई शेडो पैलेट. दिस आर इट लुक्स लाइक. द शेड नंबर इज 06 और इसमें जितने भी शेड है ना वो काफ़ी प्यारे मैट शेड है. मुझे आई शेडो का जो बेस होता है ना वो मैट करना ही पसंद है. फिर अगर मेरा मन होता है ग्लिटर लगाने का तो मैं ऐसे लिक्विड आई शेडोज यूज कर लेती हूँ, बट अदरवाइज दिस इज हाउ द पैलेट लुक्स लाइक. इसके अंदर बहुत प्यारे मैट शेड है और एक आपको आई थिंक या दिस वन इज शिमरी. ये वाला जो शेड है ये शिमरी, अदरवाइज ऑल ऑफ दीज शेड्स आर मैट. तो ये काफी अच्छा है और इसमें जो शेड्स है ना काफी वर्सेटाइल है. इससे इजिली आप कोई भी पोस्ट शादी वाली लुक इजिली क्रिएट कर सकते हो. इट लुक्स ब्यूटिफुल. देन नेक्स्ट अप वी हैव आईब्रो पेंसिल, जो आई डोंट नो मैंने क्यों रखी है. प्लम की रखी है मैंने. दो मैं अपनी आईब्रोज फिल नहीं करती, आई थिंक ये मैं हटा दूंगी, बट ये स्पूली है ना आता है ना इसमें, तो मैंने इसलिए रखी होगी बिकॉज स्पूली काम आता है काफ़ी कॉम एंड ऑल करने में. अदरवाइज मैं अपनी आईब्रोज फिल नहीं करती, आई हैव नेचुरली गुड आईब्रोज तो मैं ज़्यादा छेड़ती नहीं हूँ. देन नेक्स्ट अप वी हैव मैक का काजल. इसकी भी पैकेजिंग निकाल देते हैं. दिस इज द इन एक्सट्रीम डायमेंशन 24 आवर काजल आई लाइनर. ये मेरे मैक की वो जो दिवाली वाली किट्स नहीं थी, जो कौन सी हीरोइन की आई थी, दिवाली किट्स आई थी अभी रिसेंटली, उसी किट में ये आया था. ऐसा छोटा सा काजल आया था, ये जेल लाइनर वाला काजल है, कुछ इस तरह से दिखता है, वेरी वेरी पिगमेंटेड. सो उसको भी डाल देते हैं बिकॉज काजल चाहिए होता है. आई लाइनर में मैंने रखा है ये के ब्यूटी का लिक्विड आई लाइनर. दिस इज इट लुक्स लाइक. मैंने पहले भी काफी बार स्वॉच करके दिखाया हुआ है. लव दिस वन, काफी प्यारा लाइनर है. एकदम इसकी सुपर थिन टिप होती है ना, बिल्कुल वैसी टिप है. इससे काफी अच्छा विंग बना सकते हो. लाइक लुक एट दिस, कितनी पतली इसकी टिप है. एकदम शार्प विंग अगर बनाना हो ना तो बहुत अच्छा इससे बनेगा. एंड अगेन कॉम्पैक्ट भी है काफ़ी. और मुझे यही वाले लिक्विड आईलाइनर अच्छे लगते हैं, कन्वेंशनल वाले प्रॉपर जो ऐसे लग जाते हैं. आई लाइक इट्स ईजियर फॉर मी टू यूज़, तो इसलिए मैंने ये वाला रखा है. फिर मैंने रखा है एक लिप बाम. ये है माई ग्लैम का लिट PH लिप बाम. इसका मैंने शेड रखा है मेन स्क्वीज. आई थिंक ये येलो वाला शेड है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या ये येलो वाला लिप बाम है, बट ठीक है इतना कोई कलर पे ऑफ इसका नहीं आता है. एक अच्छा लिप बामी वाला इफेक्ट आता है. मेरे लिप्स बहुत जल्दी चैप हो जाते हैं और आजकल तो वैसे भी मुझे खांसी हो गई है, जुकाम हो गया था, बहुत ज़्यादा चैपी चैपी लिप्स हो जाते हैं. सो या आई नीड इट. तो मैं रखने वाली हूँ एक एक्ने पिंपल पैच, बिकॉज हमेशा गलत टाइम में पिंपल हो जाता है, फिर हाथ लग जाता है, स्क्रैच लग जाता है, फिर वो निशान नहीं जाता. सो जस्ट फॉर द सेफ्टी थिंग मैं क्या करने वाली हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ना ये किट का, इस पोर्शन में यहाँ पर तो वेलक्रो के साथ ब्रशेज मैंने रखे हैं. यहाँ पर मैंने कुछ ब्रशेज ऑलरेडी लगा दिए हैं, जैसे ये एक मैंने गब का ब्रश रखा है, ब्लश वाला ब्रश है. देन ये जो है ये जोएवा करके, एक फेक जोएवा ब्रांड, नॉट द ओरिजिनल वन. अमेजोन पे ये जोएवा के ब्रशेज मिल रहे हैं. दिस इज द ब्रांडिंग बाय द वे. 400-500 का सेट आता है, मैंने बहुत पहले लिया था तो मैंने उसके ब्रशेज ये डाल दिए. थोड़े से फेस का है, आईज का है, और उसके बाद यहाँ पर मिलता है आपको जिपर. सो इस जिपर के अंदर मैं ये एक्ने पिंपल पैच डालने वाली हूँ और इसमें से कुछ निकला है. ओके मैंने बहुत पहले के डाले हुए हैं, कुछ कुछ चीज़ें मैंने इतनी पहले की डाली हूँ कि मैं खुद ही भूल गई हूँ. सो वी हैव बिंदीज एज वेल. ब्राइडल किट हो और बिंदी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. सो इस वाली किट में मैंने बिंदीज भी डाली है. ओके नेक्स्ट अप वी हैव दीज मिनी ब्लेंडर्स. इसमें से भी मैं खाली एक या दो ही डालूंगी. ये मिनी वाले ब्लेंडर चाहिए होते हैं. ये भी मैंने कहाँ से लिया थी, मैंने अपनी लोकल मार्केट से लिया था. काफ़ी अच्छे हैं ये. छोटा मोटा ब्लेंडिंग करनी हो, अंडर आइज पे करना हो, ब्रश की भी नीड नहीं होती, इससे काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है. सो इसके दो ब्लेंडर्स मैं एक किट में डालने वाली हूँ. एक और चीज मैंने जो पहले परचेज करी थी, ये था डी यू केयर का क्राफ्टेड विद केयर का ब्रश सेट. ये 3-piece सेट है, 3-piece व्हाइट फेस मेकअप ब्रश सेट. द क्वालिटी ऑफ दिस वन इज सो गुड. मतलब आई एम शॉक्ड. ये मतलब कौन सी ब्रांड है, कब आई मुझे तो पता भी नहीं है, बट इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है ना. ट्रस्ट में अगर आप मेकअप ब्रशेस लेने वाले हो ना, ये वाली ब्रांड के लेकर देखना. ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था डू केयर, एंड ओ माई गॉड लुक एट दिस, सुपर फ्लफी. तो मैं इसके तीनों ही ब्रश रखने वाली हूँ. तो एक तो इसमें ये वाला ब्रश है, दूसरा इसमें ब्रश है थोड़ा सा ब्लश टाइप का ब्रश है, या इसमें लाइक अ ब्लशी ब्लशी वाला ब्रश. अगर ऐसे
ब्लश वगैरह लगाना हो, और एक इसमें कंसीलर ब्रश है जो बहुत अच्छा है, लाइक इट्स लाइक वेरी नाइस एंड थिक कंसीलर ब्रश, लाइक हल्का सा हाईलाइटिंग वाली कंसीलर की तरह यूज़ करना हो. तो मैं ये पैक सेपरेटली रखूँगी, इस किट में नहीं रखूँगी, सेपरेटली अपनी ले जाऊंगी वहां पर अगर मुझे छोटी मोटी अपनी वैनिटी सेटअप करनी होगी थोड़े टाइम के लिए, सो दैट ज्यादा मुझे अपना पहले का सामान ना ले जाना पड़े, बेसिक चीजें वहां पर होनी चाहिए. तो ये मिनीसो वाला और ये डू केयर वाला मैं अलग से अपनी सूटकेस में रख रही हूँ, किट में नहीं डाल रही. किट में खाली वही सामान है जो एकदम अर्जेंट रेडी होने के लिए चाहिए. तो ये वाला जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर में है लिपस्टिक्स, मैं दिखाने ही भूल गई, वो बेचारे कॉर्नर में रखी रह गई. ओके, तो सबसे पहले मैंने डाली है मैक की लिपस्टिक, विच इज मैक मेहर. ये मैंने एक और रखी हुई थी संभाल के कि मैं अपनी ब्राइडल किट में रखूंगी. दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट शेड. मैं ये शेड इतना लगाती हूँ ना डेली बेसिस पे, मतलब मेरी सारी 50-60 लिपस्टिक एक तरफ और मैक की मेहर लिपस्टिक एक तरफ, दिस इज जस्ट ब्यूटी. एंड दिस इज अ फ्रेश न्यू लिपस्टिक बाय मैक, इसको मैं बिल्कुल सोच नहीं करने वाली, इसको एकदम स्पेशल डे के लिए रखेंगे हम, बिकॉज दिस इज स्पेशल. आई थिंक दिस इज माय फेवरेट शेड, तो ये तो मुझे रखना ही था. नेक्स्ट मैंने रखा है माई ग्लैम का, मनीष मल्होत्रा का एक शेड रखा है. मैंने तीन शेड रखे हैं लिपस्टिक के अभी मेन किट के लिए, सो दैट तीन एक वैरायटी हो जाए लिपस्टिक्स की. सो ये मनीष मल्होत्रा का शेड है, द नेम ऑफ द शेड इज ब्लश रोज. इसका बहुत प्यारा एक न्यूडिश पिंक शेड है, बहुत अच्छा डार्क न्यूड यू कैन से, बिकॉज जो मैक मेहर है वो थोड़ा सा लाइट पिंक न्यूड में आता है, ये हल्का सा एक डार्कर पिंक में आ गया. तो एक दो वैरायटी हो गई मेरे पास बेसिकली. फिर मेरे पास एक थर्ड शेड है कीरो ब्यूटी का, यह कीरो ब्यूटी का लश मॉइस्ट मैट लिपस्टिक. इसका एक जिंजर टी शेड है जो मैं काफी यूज करती हूँ, वो रेड टोन का शेड है. सो ये उसी रेंज की दूसरी शेड है. The name of this one is Lotus Dew 01. काफी प्यारा न्यूड सा कलर है, अगेन अ वेरी नाइस न्यूड कलर. आप सोचोगे रेड लिपस्टिक तो कशिका आपने रखी नहीं, बट ऐसा नहीं है, मैंने रेड लिपस्टिक रखी है, दिखाना भूल गई. दिस इज हेयर, मैंने रखी हुई थी, वेयर इज इट, वेयर इज इट, ये मैंने रेड लिपस्टिक में रखी है लैक्मे की प्राइम प्लस मैट टिंटेड लिप कलर. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये भी एकदम सील पैक न्यू है, इसको मैंने अभी नहीं खोला. आई एम नॉट अ रेड लिपस्टिक पर्सन, मैं मतलब अवॉइड करती हूँ, मैं रेड ना ही लगाऊँ, बिल्कुल एक्सट्रीम ना हो जाए ना, जब तक कि सूट नहीं कर रही है रेड लगाने है तभी मैं लगाती हूँ, अदरवाइज मैं रेड लिपस्टिक्स नहीं लगाती, इसलिए मैंने ये वाले शेड रखे हैं. और एक मैंने लिप लाइनर भी रखा है, यस अब मुझे याद आ रहा है धीरे धीरे, और मुझे लगा मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया. सो दिस इज अ लिप लाइनर दैट आई हैव केप्ट, ये है माय ग्लैम का लिट matte lip liner. The shade of this one is, what is the shade, I think the shade of this one is not written anywhere, bay, yeah I think bay is the shade, is like a red tone ka shade hai, kafi pyara red family ka shade hai. This is how it looks like, यह सॉर्ट ऑफ रेड टोन का शेड है. सो ये मैंने रखा है. दूसरी लिप लाइनर मैंने रखी है मार्स की, ये काफी अच्छा डीप ब्राउन कलर है. This is how it looks like. So these are all the things that I have kept in my makeup vanity. Or finally, मैं इसको set करने वाली हूँ और एक last picture आपको दिखा दूँ because अभी काफी messy लग रही है. And this is packed. मैंने दो तीन चीजें और डाल दी हैं, like ये comb डाल दिया मैंने जो नहीं डाला था, ये beauty blender का pack तो ऐसे ही डाल दिया, और दो मैंने nail paints भी डाल दी हैं जो मुझे कल ही receive हुए थे सगन के मेरे hamper में. So nail paint नहीं थी मेरे पास fresh, finally I have it. एक nude color है, एक pinkish वाला color है, ये दोनों nail paint की shades मैंने इसमें डाल दी हैं. And I think my kit is finally complete. सब कुछ मैंने अच्छे से सेट कर दिया, इट्स लाइक कॉम्पैक्ट, हर चीज आ भी गई है, एंड इट लुक्स नाइस एज वेल, एंड इट इज रेडी टू पैक, डन. This is my last video before getting married. I hope you like it. और ये live जाने वाली है काफ़ी देर बाद, ये अभी नहीं live जाने वाली है, I definitely know. मैं shoot करके रख रही हूँ, मुझे नहीं पता ये video कब live जाएगी, but yeah, I hope this will be helpful for you. इन सब के links आपको नीचे description box में मिल जाएंगे, so description box please check कर लेना. And that is it for today's video. I'll see you next time. Bye bye.